उसके बारे में बात करूंगा नाउ अगर हम मेडिकल डेफिनेशन को देखें तो असाइटिस क्या है असाइटिस वास्तव में आपके पेट में जो फ्लूड एक्यूमुलेट हो जाता है ये पानी हो सकता है ये पस हो सकती है या कोई भी चीज जो फ्लूड है जो इकट्ठा हो जाता है इन दबडामन और दैरिटोरियल कैविटी इसे असाइटिस कहते हैं जहां तक इसकी अमाउंट का सवाल है ये इस पर डिपेंड करता है कि किस कारण से ये पानी भरा और कितना समय हो गया इसके डिपेंडिंग अपॉन दीज टू थिंग्स इसके अमाउंट जो ना वेरी कर सकती है यह आधा लीटर हो सकता है ये दो लीटर हो सकता है पांच लीटर हो सकता है ये जो काज हैं बहुत सारे डिफरेंट हैं इन काज जो है ना उनके बारे में आगे चल के बात करेंगे लेकिन जो कॉमन काजेज हैं जिनके चलते पेट के अंदर पानी आ जाता है मैं चाहता हूं कि वो आपके जानकारी में होने चाहिए नंबर वन जो मोस्ट कॉमन है वो है सिरोसिस लिवर जो लिवर की सिरोसिस की बीमारी है जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है वो वास्तव में पानी छोड़ देता है नंबर दो पर आती है कैंसर पेट के अंदर किसी भी ऑर्गन में कैंसर हो किसी महिला को ओवरी में कैंसर हो इंटेस्टीन में कैंसर हो बड़ी आंत में कैंसर हो लिवर में कैंसर हो खाने की थैली में कैंसर हो अगर कैंसर का कोई भी जो एलिमेंट पेट के अंदर है तो पेट के अंदर पानी आने की संभावना है इसे कहते हैं मेलेग्नेंट असाइटिस नंबर तीन पर आती है ट्यूबरकुलोसिस जहां तक टीबी जैसी बीमारी है हमारे देश में यह बहुत कॉमन है जो टीबी के चलते पेट में पानी होता है यह बहुत कॉमन है इन अ कंट्री लाइक इंडिया फॉर दैट मैटर इवन एशिया में यह बहुत कॉमन है नंबर फोर पर आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते उसके पंप के काम करने की ताकत कम हुई और पंप अगर प्रॉपरली काम नहीं करता है तो एक बैक प्रेशर आता है जो लीवर के ऊपर आता है और बैक प्रेशर आएगा तो आपके पेट के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा ऐसे ही अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जिसके चलते आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की इतनी कमी हो जाती है कि आपकी बॉडी में पानी एक्यूमलेट होता है तो पेट के अंदर भी पानी उतर जाता है जिसे हम असाइटिस कहते हैं देन हमारे कंट्री में उन पार्ट्स में जहां पर जो एनीमिया एंड एन हाइपोप्रोटिन या फॉर दैट मैटर न्यूट्रिशनल स्टेटस कम है तो अगर एनीमिया हाइपोप्रोटिनिमिया होगा तो भी पेट के अंदर पानी भर जाएगा जैसे जो छोटे बच्चे हैं जो छोटे बच्चों को कभी कभी न्यूट्रिशनल डेफिज़िट के चलते एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं क्वाश्योरकोर जो क्वाश्योरकोर है उसमें वास्तव में इतना एनिमिया हो जाता है हाइपोप्रोटीनिमिया हो जाता है बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि पेट के अंदर पानी भर जाता है एंड एट द लास्ट अगर आपको कोई चोट लगी आप कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ आपके पेट में कोई ब्लड ट्रामा लगा तो उसके चलते भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर कोई इंजरी हुई तो आपके पेट के अंदर पानी उतर जाता है वास्तव में ये पानी नहीं ये ब्लड होता है तो ट्रामा इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते लिक्विड आपके पेट में इकट्ठा हो जाता है नौ प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए आपके पेट में पानी इकट्ठा हुआ या कोई लिक्विड से फॉर एग्जाम्पल इकट्ठा हुआ तो उसके चलते सिम्टम्स क्यों आते हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं देखिए मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जहां तक जो पानी के चलते आते हैं या लिक्विड के चलते आते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि, कि किस कारण से पानी भरा जिस कारण से पानी भरा उसके सिम्टम्स आपको ज्यादा आएंगे पानी के सिम्टम्स कम आएंगे बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपका लिक्विड डिपॉजिट हो गया है पेट के अंदर या असाइटिस है असाइटिस के चलते भी सिम्टम्स आने लगेंगे ना जो सबसे कॉमन रीजन जैसे मैंने बात की सबसे कॉमन रीजन इज द लिवर सिरोसिस नेक्स्ट वन इज the कैंसर जहां तक साइंस का सवाल है अगर पेट में पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा या असाइटिस बहुत टेंस हो जाएगी तो पेट में दर्द आएगा ये जो दर्द है वास्तव में खिंचाव जैसा होगा लेकिन खिंचाव के अलावा ये दर्द रुक रुक के मरुड़े वाला भी हो सकता है नंबर दो आपको फीलिंग आएगी पेट बहुत तना हुआ है ऐसा लगेगा जैसे पेट वास्तव में फुटवाल हो गया है ऐसा लगेगा जैसे पेट के अंदर किसी ने पंप से हवा भर दी है ये इतना टाइट हो गया है आप थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेट के अंदर पांच किलो का वजन आ गया है अगर आपके पेट में लिक्विड ज्यादा हो जाता है ज्यादा हो जाती है पानी ज्यादा भर जाता है तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा जो डायफ्राम है उसके ऊपर प्रेशर देने लगता है अगर डायफ्राम के ऊपर प्रेशर देगा तो आपको हल्की सी सांस में दिक्कत होने लगेगी पर्टिकुलरली जब आप लेटते हैं तो जब आप बैठेंगे तो सांस में थोड़ा आराम आएगा लेकिन जैसे ही आप लेटेंगे तो ये पानी आपके डायफ्राम के ऊपर प्रेशर देगा तो उसके चलते आपको सांस में दिक्कत आएगी नौ जो सिम्टम्स एंड साइंस हैं, वो इस पर भी डिपेंडेंट हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड असाइटिस जिस कारण के चलते आपको असाइटिस हुई है उसके चलते जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको आएंगे वो आपको वॉच करने की जरूरत है से फॉर एग्जांपल आपको असाइटिस डेवलप हुई डेवलप हुई हुई वो लिवर में सिरोसिस के चलते हुई, तो आपको जॉन्डिस भी दिखाई देगी कहीं ब्लीडिंग भी दिखाई देगी या लिवर फेलियर के साइंस आने लगेंगे अगर आपको टीबी जैसा पानी पेट में भरा हुआ है, या के है तो उसके साथ आपको लो ग्रेड फीवर आएगा आपको न्यूट्रिशन बहुत अफेक्टेड हो जाएगा या मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा ऐसे ही अगर कोई कैंसरस प्रोसेस जो है बॉडी में चालू हो रही है पेट के अंदर जो है उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पेट में पानी आएगा Asitis आएगी वेट बहुत कम होगा एंड अगर एग्जामिन किया जाएगा तो बहुत गांठे जैसी महसूस होने लगेंगी तो जो भी डिजीज प्रोसेस है उसके भी सिम्टम्स आते हैं ऐसे ही अगर ये पानी आपको हार्ट की प्रॉब्लम के चलते भर रहा है तो वास्तव में जो सांस फूलने की समस्या है वो भी सामने आएगी तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड जिसके चलते पानी भरा हुआ है वो जो इटियोलॉजी है वो जो कारण है जिसके चलते ये पानी आया उस बीमारी के सिम्टम्स भी पानी के अलावा साथ साथ में सामने आएंगे जिन्हें हमें पहचानने की जरूरत पड़ती है उन सिम्टम्स को पहचान कर ही हम पहचान पाते हैं कि इस बीमारी के चलते ये पानी आया या आई इसके अलावा हमें बहुत सारी जांचों की जरूरत पड़ती है मैं चाहता हूं कि ये जो जांचें हैं जांच आपकी जानकारी में होनी चाहिए जो सबसे पहले हम जांच करते हैं दैट इज बेसिकली अल्ट्रासाउंड आप जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड छोटी छोटी जगह पर अवेलेबल है अल्ट्रासाउंड कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता है इन अल्ट्रासाउंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी नाउ जो अल्ट्रासाउंड हमें जानकारी देता है सबसे पहले तो ये कंफर्म करता है कि पेट के अंदर फ्लूड है असाइटिस है या असाइटिस नहीं है नंबर दो इसकी जो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट है इसको जज करने में अल्ट्रासाउंड हमें मदद करता है क्या ये अमाउंट बहुत कम है अमाउंट मॉडरेट है या अमाउंट वास्तव में ग्रॉस है ये हमको लोकेशन भी देता है कि क्या यह जो पानी है या कभी कभी यह हमें कंसिस्टेंसी की भी इंफॉर्मेशन देता है कि यह जो असाइटिस है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें इंफेक्शन के कुछ फ्लिक्स दिखाई दे रहे हैं अगर इसमें ब्लड है तो इसको भी जो अल्ट्रासाउंड है यह आइडेंटिफाई कर सकता है इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस भी कारण के चलते ये किस आई है उसकी भी फाइंडिंग आपको अल्ट्रासाउंड में देखेंगी मान लीजिए ये पानी सिरोसिस लिवर के चलते आया तो लिवर सिरोसिस के सभी फीचर्स जो ना अल्ट्रासाउंड को देखेंगे अगर पेट में कोई गांठ बन रही है जिसके चलते पानी भर रहा है तो वो गांठ अल्ट्रासाउंड को दिखाई देगी तो बाई इन लार्ज जो बेसिक प्रॉब्लम है बेसिक डिजीज है जिसके चलते पानी इकट्ठा हो रहा है अल्ट्रासाउंड उस बेसिक डिजीज को भी पहचानने की ताकत रखता है नौ, इसके बाद हमें कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है ये क्या ब्लड टेस्ट हैं जो हम कराते हैं नंबर वन हमें सबसे तो पहले एक जनरल ब्लड पिक्चर चाहिए जिससे हमें क्लियर हो कि आपका हीमोग्लोबिन एंड काउंट्स कैसे हैं नंबर दो हम आपका लिवर फंक्शन देखना चाहते हैं कि ये पानी कहीं लिवर के चलते तो नहीं नहीं आया है हम आपके किडनी फंक्शन देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनी फंक्शन पुअर है जिसके चलते पानी इकट्ठा हो रहा है अगर ये सस्पेशन है कि ये जो पानी है कहीं कैंसर जैसी कोई प्रोसेस तो नहीं है तो फिर हमें आपके बहुत सारे ब्लड में ट्यूमर मार्कर्स कराने की जरूरत पड़ती है ये ट्यूमर मार्कर्स कौन से हैं इनको ध्यान से देखिए हम सी ए कराते हैं अगर हमें सस्पेक्टेड है कि ये ओवरी का कैंसर है हम अल्फा फीटो प्रोटीन कराते हैं अगर हमें डाउट है कि ये लीवर का कैंसर है हम सी ए नाइनटीन पॉइंट नाइन कराते हैं अगर हमें डाउट है कि ये का कैंसर है हम सीई ए के देखते हैं कि अगर कोलन कैंसर सस्पेक्टेड है तो ब्लड टेस्ट में हम वास्तव में ट्यूमर मार्कर्स को भी करा के देखते हैं जो ब्लड टेस्ट हैं अगर सस्पिशन है तो हम टीबी के लिए भी ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसे कहते हैं क्वॉंटिफ्रन टीबी गोल्ड हम इसलिए करा के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पानी है ये ट्यूबरकुलोसिस के चलते डेवलप हो रहा है इन उसका इफेक्ट ब्लड पर भी आया हुआ है इसके अलावा कभी कभी हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा के देखते हैं हम आपकी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करा के देखते हैं कि कहीं यूरिन में बहुत सारा एल्ब्यूमिन तो पास नहीं हो रहा है हम कभी आपकी 24 घंटे के यूरिन इकट्ठे करके उसमें प्रोटीन की अमाउंट देखते हैं कि आपकी जो यूरिन हो रही है में, वास्तव में आप कितना प्रोटीन लीक कर रहे हैं जिससे हमें पता लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किडनी जो वास्तव में प्रोटीन लीक कर रही है जिसके चलते डेवलप हो रही है अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो हम कोशन प्रोफाइल भी देखते हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के हम आपके पेट में जो पानी भरा हुआ है या असाइटिस है उसमें से एक छोटी सी अमाउंट निकालते हैं इन उसे एग्जामिन कराते हैं 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 इसे इसे कहते हैं, इसे कहते डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक्नोस्टिक हम आपके एबडामन में सुई के जरिए से अप्रोक्सिमेटली टेन एम एल फ्लू निकाल लेते हैं ये बिल्कुल सेफ है इज ऑलमोस्ट पेनलेस है इन इसमें कोई खतरा नहीं है इन इट जस्ट टेक्स जो ए टू मिनट्स टाइम तो हम आपके पेट से 10 एम एल निकाल लेते हैं ये जो फ्लूड हम निकालते हैं इसमें हम साइटोलॉजी करा लेते हैं कि इसमें किस किस्म की सेल्स हैं। हम इसकी बायोकेमिस्ट्री करा के देखते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है कितनी शुगर है हम इसमें मेलिग्नेंट सेल्स या कैंसरस सेल्स को भी जज करते हैं या एग्जामिनेशन कराते हैं इसमें हम वास्तव में एडीए करा के देखते हैं कि कहीं ये ट्यूबरकुलोसिस जैसा कोई फ्लूड तो नहीं है Now, जो असाइटिक एग्जामिनेशन कराते हैं उसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं दैट इज प्रोटीन जो प्रोटीन है उसमें हम देखते हैं कि ये एक्सुरेट है या ये ट्रांसुरेट है इसमें हम देखते हैं कि ग्लूकोज के अमाउंट कितनी है इसमें हम देखते हैं कि सेल्स कितने नंबर की हैं एंड जो सेल्स हैं उनकी टाइप क्या है इसमें हम इंडिकेट करता है का टेस्ट कराते हैं, ये भी वास्तव में हम ट्यूबरकुलोसिस को ही जज करने के लिए कराते हैं इसमें हम मेलेगनेंट सेल्स चेक करते हैं कि मेलेग्नेंट सेल्स हैं या नहीं है कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट होता है कि ये मीन I कैंसर mean, का पानी है इन कैंसर पकड़ में नहीं आता है तो फिर हम ये जो असाइटिस है इसकी लार्ज अमाउंट निकालते हैं मे बी थ्री फोर लीटर और इसको निकालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज करते हैं हैं इन करने के बाद जो जो इसके बेस पर डिपॉजिट होते हैं, उस डिपॉजिट में हम कैंसर सेल्स को देखते हैं कि वास्तव में उसमें कैंसर सेल्स हैं या कैंसर सेल्स नहीं है नौ हमेशा क्वेश्चन खड़ा होता है कि पेट में अगर असाइटिस आई या पेट में पानी भर गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है जो ट्रीटमेंट है ऑल डिपेंड करने की जरूरत है अगर पेट के अंदर पानी भरा है इसका मतलब यह है कि फ्लूड जो इंटेक है या लिक्विड मटीरियल जो आप लेते हैं या पीने की चीजें आप लेते हैं उन्हें आपको कम करने की जरूरत है नंबर दो आपको अल्कोहल बंद करने की जरूरत है उसको अवॉइड करने की जरूरत है नंबर तीन आपको अपने खाने में जो नमक है या साल्ट है उसका इंटेक कम करने की जरूरत है दीज आर थ्री जनरल प्रिंसिपल मे बी द रीजन फॉर दसाइटिस किसी भी कारण से पानी आया हो लेकिन ये तीन जो है ना कार्नेट स्टोन है या तीन चीजें हैं जिनको आपको करने की जरूरत है कभी कभी अगर पानी ज्यादा होता है जिसके चलते दर्द ज्यादा है तनाव ज्यादा है सांस में दिक्कत है तो इस पानी को हमें कभी निकालने की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं थेरेपेटिक पैरासिंटेसिस नौ जब भी जो है ना पानी इतना भरा हुआ होता है तो हमें देखना पड़ता है कि जो प्राइमरी आपकी डिजीज है जिसके चलते पेट में पानी आया उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं से फॉर एग्जाम्पल लिवर सिरोसिस के चलते आपको पेट में पानी आया तो हमें यह देखना है कि आपको जॉन्डिस भी डेवलप तो नहीं हो रही है ऐसा तो नहीं हो रही कि आपको लेट्रिन काले रंग की हो रही है ऐसा तो नहीं है कि आपको बीच में खून की उल्टी हो जाती है ऐसा तो नहीं है कि आपको खून की बहुत कमी हो रही है तो जो बेसिक डिजीज है उसके कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखने की जरूरत पड़ती है वास्तव में जब आपके पेट में पानी ज्यादा होता है या पानी हमें निकालने की जरूरत पड़ती है तो हमारी नजर हमेशा लिवर और किडनी दोनों के फंक्शन पर रहती है क्योंकि इनके डरेंज होने का हमेशा डर रहता है हम हमेशा नजर रखते हैं कि आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है कहीं से आप ब्लड लूज तो नहीं कर रहे हैं कभी-कभाई ऐसा होता है कि अगर पानी को कम करने के लिए हम दवाइयां देते हैं या पानी निकालते भी हैं से तो इसकी जो आई मीन अमाउंट है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमको सीरियली अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है नौ हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक बार पेट में पानी भरा तो क्या ये पानी बार बार भरेगा या पेट में पानी भरा तो इसकी अल्टीमेटली प्रोग्नोसिस क्या है आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोग्नोसिस है इस बीमारी की या प्रोग्नोसिस की इट इंटर डिपेंड अपॉन इसका काज क्या है रीजन क्या है क्यों पानी भरा अगर से फॉर एग्जाम्पल सिरोसिस से चलते पानी भरा तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसके बार बार भरने का डर रहेगा अगर ये टीबी जैसी बीमारी के चलते पानी भरा तो आपने टीबी का इलाज कराया दोबारा कभी नहीं आएगा अगर ये कैंसर जैसे बीमारी के चलते है तो आप कैंसर को प्रॉपर ट्रीट कराएंगे तो धीरे धीरे पानी का बनना कम हो जाएगा तो डिजीज है अंडरलाइन उसकी सीवियरिटी कैसी है इन पानी कितने दिन से आपको भरा हुआ है से आपके पेट में पानी से भरा हुआ है तो उसकी प्रोग्नोसिस फर्क है इन कंपेरिजन टू पर्सन जिसको पानी अभी दस दिन से भरा हुआ है तो जो ड्यूरेशन है वो आई मीन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर भी डिपेंडेंट है कि आ, उस पानी के अलावा या इस अससाइटिस के अलावा कोमॉर्बिड इलनेसिस क्या है ऐसा तो नहीं है कि साथ में डायबिटीज है साथ में ब्लड प्रेशर की बीमारी है साथ में हार्ट की बीमारी है तो अगर कोमॉर्बिड इलनेसिस बहुत ज्यादा है तो भी प्रोग्नोसिस इस पर डिपेंड करती है या फर्क पड़ जाती है इसके अलावा आपका ऑन गोइंग न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है इन द सेंस कि आप कितना प्रोटीन खाते हैं आप कितना जो है ना लिक्विड इनटेक करते हैं कितना आप नमक यूज करते हैं इस पर भी इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंडेंट होती है कि वास्तव में पानी दोबारा भरेगा या पानी दोबारा नहीं भरेगा तो अगर मोटे तौर पर अगर आप देखें कि जो पेट में पे पे पानी भर जाता है या असाइटिस आ जाती है इसके बहुत सारे रीजन हैं जो असाइटिस आती है अगर हम ध्यान से देखें तो द कॉमन रीजन वुड भी नंबर वन पर आती है लिवर सिरोसिस नंबर दो पर आती है कोई भी कैंसर जैसी डिजीज जो पेट के अंदर डेवलप हो रही है, है।, है, वेरी वेरी है किडनी की कोई प्रॉब्लम है जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है अगर खून की बहुत कमी है प्रोटीन की कमी है जैसे एनीमिया हाइपोप्रोटिनिमिया या पेट में कोई चोट लगी हुई है तो भी कभी कभी पेट के अंदर पानी आने का डर रहता है जब भी पेट के अंदर पानी भरा हुआ है तो वास्तव में हमें इस पानी को एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जिसके चलते पेट में पानी आया और जब हम ट्रीट करते हैं तो पानी निकालने के अलावा पानी को कंट्रोल करने के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस डिजीज के चलते पानी आया उसे आप ट्रीट करेंगे तो ये पानी का बनना धीरे 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 समय के साथ कम हो जाएगा इसकी जो उस पर भी वो भी इसी पर डिपेंडेंट है वास्तव में पानी किस प्रॉब्लम के चलते डेवलप हुआ किस प्रॉब्लम के चलते पेट में भरा इन उस प्रॉब्लम को आप सेटल करेंगे तो पानी का बनना धीरे 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 कम हो जाएगा बट देर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें पानी का भरना या पानी आना बार बार हो सकता है पर्टिकुलरली लिवर सिरोसिस अगर आप समझते हैं कि पेट में जो पानी या असाइटिस होती है उसको समझने में यह वीडियो आपको मदद, मदद करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच